राजनीतिक द्वेष की का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। मीडिया क्या सोच रहा है, मीडिया क्या सोच रहा है, अरोड़ा का बयान कहाँ जाएगा? मीडिया तो सत्य दिखाती है। अगर वो राजनीतिक द्वेष की बात बता रहे हैं तो सतेंद्र जैन की बेल क्यों नहीं हुई, सिसोदिया की बेल क्यों नहीं हो रही है, इन लोगों की बेल क्यों, अरोड़ा का बयान कहाँ जाएगा? शख्स शराब में घोटाला नहीं हुआ था, 5% से अगर आपने कमीशन को 12% किया तो क्यों किया, क्या रिश्तेदारी थी आपकी? और फिर आप तो कीचड़ में से सफाई करने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, यही आपकी गैरत है? आप तो दो बच्चों की कसम खा के आए थे कि मेरे दो बच्चों की कसम है मैं कभी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, तो आपने तो वो हाल कर दिया कि किसी ने कसम खाई थी कि मैं वैशाले बंद करा दूंगा और सिक्कों की खनक देखी तो खूब रूह बांध कर खुद नाचने लगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले डेस्परेशन है बीजेपी की, ये जो तमाम कार्यवाही हो रही है, चाहे संजय सिंह के घर, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं देखना पड़ेगा। क्या लूटने दें दिल्ली को? क्या शराब घोटाले में जो इन्होंने घोटाले करोड़ों का, क्या उसको लूटने दें क्या? आप अंदाजा लगाए सर, आपके खिलाफ भी लगातार एजेंसियां अपना काम कर रही है, 5,000 जगह पर रेट डली है, एक इनके घर रेट नहीं डली है, पॉलिटिकल तो 15-20 लोगों के रेट सर, डली। दानिश अली के मामले में आप पर भी, आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर। देखिए रमेश बिंदुड़ी जो कि प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं, बीजेपी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है यहां पर, और कह रहे हैं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी और उसके नेता हैं वो इस कथित आबकारी नीति घोटाले में शामिल है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही है और कह रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी डेस्परेट है, इसलिए ये तमाम कार्रवाई हो रही है। कैमरा पर्सन नकुल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया।